भारतीय जनता पार्टी ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है और सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र से पहले बीजेपी की इस बैठक को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है जबकि विपक्ष की मार्गेट अलवा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी ने आज एक बैठक बुलाई है, तो ये बैठक कितने बजे से शुरू होगी, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी की बैठक की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक बैठक की जा रही है जिसके अंदर विपक्ष जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा कर रहा है महंगाई को लेकर, और यहाँ तक कि अब कहते हैं 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है, तिरंगा यात्रा भी निकालनी है, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आज बैठक शुरू की जाएगी और लगभग कह सकते हैं 11 के करीब ये बैठक की जाएगी। मगर लगभग कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है सदन के अंदर हंगामा कर रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार के कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई को मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है लगातार चर्चा करने के चाहता है मगर चर्चा जो है वो नहीं बढ़ती भी नजर आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। जी राजीव, इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है, उसी को लेकर भी कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव किए जाएंगे, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जा सकती है। मगर लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक के अंदर शामिल करेगी, बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हो सकते हैं, और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी चाहे वो उपराष्ट्रपति चुनाव लेकर हो या फिर कहे विपक्ष जो सदन के अंदर हंगामा कर रहा है उसको लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक की जाएगी। उस बैठक के अंदर यह भी कोशिश की जाएगी कि विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति बनानी है और 2022-24 के जो चुनाव होंगे उसको लेकर क्या रणनीति होगी भाजपा की, यह भी स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।